सो आज का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है लेक्चर 6। बेसिकली आज हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जो देखे थे हमने सॉल्व कर रहे थे वो वन वेरिएबल वाला इन इक्वेशन था, बट अगर टू वेरिएबल वाला इन इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आज देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना भी आपको जरूरी है। तो इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी है, ग्राफ के थ्रू भी हमें देखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक ओके। सो आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव जो है आज का जो लीनियर इक्वेशन ना टू वेरिएबल वाला जो है उसके ऊपर आज चर्चा होगा, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज हम समझना होगा कि कोई भी अगर टू वेरिएबल वाला जो इन इक्वेशन या इक्वेशन जो भी होता है तो उसको लिखने का तरीका होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन है एक्चुअली, जो टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें एक्स वाई दो है एंड लीनियर है। लीनियर कैसे पता चल रहा है, एक्स का हाईएस्ट पावर वन, वाई का भी हाईएस्ट वन पावर वन है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन की बोला जा रहा है क्योंकि ये इक्वल्स टू दिया है, ठीक है। यस इसी चीज को अगर हम इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू को हटा देना है। इसकी जगह पर आप कोई भी क्या यूज कर सकते हो जो बेसिकली ग्रेटर हमारा देन नोटेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू, कुछ भी यूज करोगे तो ये बन जाएगा आपका इन इन इक्वेशन। जैसे इक्वेशन कि ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, या ग्रेटर इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, या लेस इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं, या लेस देन, इन चारों में से जो ये हमारे नोटेशंस है, इन इक्वेशंस के नोटेशन है ये सब, तो हम अगर यूज कर लेंगे इनको तो ये बेसिकली बन जाएगा मेरा क्या, टू वेरिएबल का लीनियर इन इन इक्वेशन इक्वेशन, ठीक। यस सर यही वाला इधर यस लिखा है कि अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को अगर ड्रॉ करोगे, मान लो ये वाला आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो का, तो इसके राइट साइड में एक रहेगा तो ये ग्रेटर देन जीरो वाला केस हो जाएगा, और लेस देन रहेगा तो लेस देन जीरो वाला केस हो जाएगा। ये सब देखेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों डिजियन बन सकता है, तीनों पोर्शन, एक तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है ये बन सकता है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को रेक्टिफाई करेगा, और जो राइट में रहेगा जो कि आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ऐसा पॉइंट्स जो कि इस लाइन के राइट साइड में रहेगा, और ऐसा पॉइंट जो कि इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो टोटल तीनों केसेस बन सकता है इसमें से, तो यही हमने लिख दिया है इसे, ठीक है, कि पॉइंट्स लाइंग ऑन द वन साइड ऑफ द लाइन, मतलब कोई भी एक साइड पे, पॉइंट्स लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, मतलब दोनों साइड के, इधर एक होगा तो इस साइड पे एक होगा, और तीसरा वाला पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, मतलब जो लाइन के ऊपर रहेगा जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा, और बाकी दो केसेस में आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू वाला केसेस आ जाएगा, जो कि इन इक्वेशन कहलाया जाता है। समझ आया बात? हो सकता है किसी किसी को समझ नहीं आया है, फिर बट इसको से बताना एक बार। ग्राफिकल, ग्राफ के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हाँ बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि ये वाला जो लाइन है, फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो का, अभी इस लाइन, ये लाइन तो कंटिन्यू चल रहा है ना, ऐसे ऐसा तो नहीं कुछ देर जाके रुक गया है, लाइन है तो मतलब स्ट्रेट लाइन है तो कंटिन्यूअस जाएगा, तो इसका तीनों पोर्शन हो सकता है, एक तो लाइन के राइट साइड में जो पॉइंट्स है आपके राइट साइड में, तो लाइन के राइट साइड में, दूसरा लाइन के लेफ्ट साइड में जो पॉइंट्स है, और ऑन द लाइन वाला जो केस है, मतलब टोटल तीनों केसेस आ सकता है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन जो कि इस लाइन के ऊपर रहेगा जो पॉइंट्स, वो बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वाला हो जाएगा, ग्रेटर देन मतलब राइट साइड में रहेगा तो ग्रेटर देन हो सकता है, मतलब इक्वल्स टू तो नहीं होएगा, इक्वल्स टू वाला केस सिर्फ लाइन के ऊपर वाला होता है, बाकी अगर इसके राइट में जाएगा तो भी इन इक्वेशन बन जाएगा, अगर लाइन के लेफ्ट में आएगा तो भी इन इक्वेशन बन जाएगा। तो कितने टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं, टोटल तीन टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो लाइन के राइट में रहेगा, एक पॉइंट्स लाइन के लेफ्ट में रहेगा, और एक लाइन, और बाकी पॉइंट्स लाइन के ऊपर रह सकता है, तो टोटल तीन तरीके से पॉइंट्स रह सकते हैं, तो यही मैंने बोला ये तीनों केसेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद जो वाला, ये वाला जो चीज है, ये वाला हम ना थ्रू प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बेसिकली ये बोला गया है कि कोई भी आपका जो बेसिकली लिनियर इन इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो है, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन एक प्लेन को कितना क्या कर रहा है, दो पोर्शन में आपको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मतलब आप मान लो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये वाला आपका प्लेन है, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, तो ये लाइन ड्रॉ करने से क्या हो जा रहा है, दो पोर्शन हो जा रहा है ना, एक पोर्शन तो लाइन के राइट साइड वाला, एक पोर्शन लाइन के लेफ्ट साइड वाला। और आप बोल सकते हो लाइन के ऊपर वाला भी तो आएगा, पर लाइन के ऊपर वाला इन इक्वेशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो इक्वल्स टू वाला केस हो जाएगा, मतलब वो इक्वेशन वाला केस। तो दो ही केस आ सकता है, मतलब दो पोर्शन आ रहा है, एक तो इस लाइन के राइट में और इस लाइन के लेफ्ट में। इसलिए कोई भी लाइन आपका जो प्लेन होता है इसको दो हाफ में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल हाफ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम देखेंगे, और इसके लिए ग्राफ का थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये भी हम अच्छे से देखेंगे इसको कैसे करेंगे। जैसे कि पहला वाला प्रॉब्लम है कि ड्रॉ द ग्राफ एक्स माइनस वाई लेस इक्वल्स टू वन इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब अभी तक तो हमने जो देखा था कुछ दिन पहले कि इक्वेशन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये इक्वल्स टू वाला केस हम जानते थे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन वाला। हाँ या ना बोलो। यस सर। आपको बोला जाएगा कि आप x माइनस वाई इक्वल्स टू वन वाला ड्रॉ करके दिखाओ, आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, बट ये इक्वल्स टू नहीं है, ये लेस इक्वल्स टू है, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। बट पहले, इसके पहले आपको ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, आपको पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू वन वाला ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर जाके आप ये ड्रॉ कर पाओगे। इधर कुछ भी रहे, ग्रेटर देन रहे, लेस देन रहे, लेस इक्वल्स टू, ग्रेटर इक्वल्स टू, कुछ भी रहे, आपको पहले इसको इक्वल्स टू लेके ही सॉल्व करके पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, फिर जाके आप इनइक्वालिटी में जाओगे। तो मैं पहले क्या करूंगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू वन वाला लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इधर से मेरा x का आ जा रहा है y प्लस वन, तो x एंड y का कुछ वैल्यूज ले लेते हैं एटलीस्ट। कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, दो पॉइंट एटलीस्ट, तीन भी ले सकते हो आप। ठीक है, एटलीस्ट दो, एटलीस्ट तीन ले लो, हाँ तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हम ना x का वैल्यू y का वैल्यू लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू y से लिया है हम, तो y का वैल्यू जीरो बैठा तो x का वैल्यू वन आ जा रहा है। अब y का वैल्यू माइनस वन बैठा तो x का वैल्यू जीरो आ जा रहा है। अब y का वैल्यू वन बैठा तो x का वैल्यू टू आ जा रहा है। मतलब पॉइंट्स क्या आ रहा है, वन कमा जीरो, जीरो कमा माइनस वन, टू कमा वन। ठीक, इसको हमें बैठाना पड़ेगा कहाँ, नंबर लाइन के ऊपर। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेसिकली मेरा नंबर लाइन बन गया। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y डैश x डैश। अब इसमें मुझे ये वाला वन, ये वाला टू, अपने अंदाज से ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आपके पास तो ग्राफ पेपर रहेगा, कोई चिंता नहीं है, मैं अभी के लिए ऐसे दिखा रहा हूं आपको। फाइव, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, प्लस वन, प्लस टू, थ्री, एंड ऐसे जा रहा है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट क्या दिया है इसमें, वन कमा जीरो, तो ये वाला रहा वन, और जीरो मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे, मतलब ऑन द लाइन हो जा रहा है। तो इस केस में मैं बोलूंगा ये वाला मेरा सबसे पहला वाला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा वाला क्या, जीरो कमा माइनस वन, मतलब आप x की जगह पर जीरो है, मतलब x को ना लेफ्ट ना राइट, तो मतलब ये y लाइन के ऊपर रहेगा, और माइनस वन मतलब नीचे के साइड, तो ये वाला पॉइंट हो जा रहा है जीरो कमा माइनस वन। फिर क्या, टू कमा वन, तो ये देखो आपका टू, और ये आपको देखो वन, तो मतलब ये वाला हो जा रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये तीन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, आपका बन जाएगा लाइन। तो कर देते हैं इसको, चले ठीक। यस सर। बट ये तो मेरा x माइनस वन इक्वल्स टू वन वाला बना ना, बट मुझे चाहिए क्या था, x माइनस वाई लेस इक्वल्स टू वन चाहिए था। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस यस। अब ये सुनो, इस चीज को बहुत अच्छे से सुनो, आपको ड्रॉ कैसे करना है, हो सकता है किसी किसी को मालूम है। अब देखो ये वाला तो मेरा लाइन बन गया सर, मुझे समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या हो जा रहा है, मुझे ना देखना पड़ेगा कि इस लाइन के कौन सा साइड में जीरो जीरो पॉइंट है, कौन सा साइड में है सर, लेफ्ट, लेफ्ट में है। मैं इसको ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ जीरो जीरो पॉइंट, ये वाला मेरा जीरो जीरो पॉइंट है, जो कि ओरिजिन है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ना इस इनिक्वेशन में
एक्स का वैल्यू भी जीरो बैठाना है, वाई का वैल्यू भी जीरो बैठाना है, ठीक है। बट ये तभी हो सकता है जब आप, जब आपका लाइन जीरो जीरो से ना जा ना गया हो, मतलब ये वाला जो लाइन है जीरो जीरो से गया है क्या? नहीं गया है। अगर जीरो जीरो से नहीं गया होगा तभी आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो कि एक्स एंड वाई की जगह पर आप जीरो जीरो ले सकते हो। बात समझ आ रहा है मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर मैं जीरो जीरो लूंगा और इसमें बैठा होगा तो क्या आ जाएगा? एक्स की जगह पर आएगा जीरो, वाई की जगह पर अगर जीरो आएगा तो जीरो माइनस जीरो जीरो ना हो जाएगा। और ये राइट है या रॉन्ग, जीरो लेस इक्वल्स टू वन, ये राइट है या रॉन्ग है? सर रॉन्ग, राइट राइट है। जीरो का वैल्यू वन से छोटा ही ना है, इसका मतलब क्या है? लेस इक्वल्स टू, मतलब या तो लेस होगा या तो इक्वल्स टू होगा। जीरो से तो वन इक्वल्स टू नहीं है, बट लेस तो है ना, जीरो का वैल्यू वन से तो छोटा है, मतलब ये राइट है, ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये है, जीरो क्यों लिखा है? x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही 0 0 ले लिया तो ये x माइनस y का वैल्यू कितना बन जाएगा? सर इक्वल टू में 0 क्यों लिखा है? x का वैल्यू अगर 0 लोगे, 0 माइनस 0 कितना होता है? 0, इसलिए मैं 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब x माइनस y का वैल्यू कितना आ जा रहा है इधर से, मुझे 0 मिल रहा है ना, इसलिए x माइनस y की जगह पर मैंने 0 लिख दिया और लेस इक्वल टू 1 लिख दिया, जो कि राइट है, जो कि राइट है, इसलिए इसमें राइट मार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइन है, इसका मतलब ये है आपका जो लाइन है ये इस तरफ जाएगा, मतलब इसका रीजियन, देखो दो रीजियन है, मैंने बोला था ना कि इन इक्वेशन में दो रीजियन है, एक तो आपका इस लाइन के राइट वाला रीजियन, दूसरा आपका लेफ्ट वाला रीजियन। तो ये जो इन इक्वेशन है कौन सा रीजियन को दिखा रहा है? आपने जीरो जीरो पॉइंट को बैठाया और आप देख पा रहे हो जीरो जीरो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब जिस साइड में जीरो जीरो होगा उसी साइड को रीजियन ये रेक्टिफाई करेगा, मतलब बेसिकली ये ऐसे दिखाना पड़ता है आपको। और इसी चीज को अगर आप ड्रॉ करोगे, मतलब ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ग्राफिकली अगर ड्रॉ करोगे तो चीज को देखने में ऐसा हो जाएगा। देखो ये वाला आपका वो लाइन है जो कि मैंने ड्रॉ किया, और देखो रेड रेड पोर्शन देख रहे हो, ये बेसिकली सेकेंड वाला पोर्शन है और ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये वाला सेकेंड पोर्शन है और ये वाला फर्स्ट पोर्शन, ये वाला सेकंड और ये वाला फर्स्ट। और देखो ये जो लाइन है, ये लाइन आपको सेकंड वाला पोर्शन की तरफ जा रहा है क्योंकि इस वाला पोर्शन में रेट कर चुका है, मतलब ये वाला इनइक्वालिटी को ऐसे दिखाना पड़ता है। इनइक्वालिटी ऑलवेज किसी ना किसी एक रीजियन को दिखाता है, और हर एक लाइन दो रीजियन में डिवाइड करता है, इन दोनों में से कोई भी एक रीजियन हो सकता है, इस केस में सेकेंड रीजियन जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला था। क्यों था? फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जीरो जीरो पॉइंट लिया और मैं देख पा रहा हूँ कि जीरो जीरो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे रहा है, मतलब जिस साइड पे जीरो जीरो पॉइंट रहेगा उसी साइड पे मेरा रीजियन जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। ठीक है, और प्रॉब्लम करेंगे और अच्छे समझ आएगा, हो सकता है कि कहीं कहीं समझ ना हो, फिर से इस प्रॉब्लम को दोहराने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम रखे हैं, फिर से एक प्रॉब्लम बनाते हैं तो आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या दिया है? एक्स लेस देन माइनस वाई। मैंने क्या बोला था पहले आपको, आपको कुछ भी रहे इधर आपको इक्वल्स टू लेके पहले उसका ड्रॉ करना है ग्राफ, मतलब मुझे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए, मुझे ड्रॉ करना है एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई वाला। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, ये वाला एक्स, ये वाला वाई। आप वाई का वैल्यू जीरो ले लो तो ये माइनस जीरो का वैल्यू जीरो ही आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप? वाई का वैल्यू वन ले लो तो ये माइनस वन आएगा, वाई का वैल्यू माइनस वन ले लो तो ये वन आ जाएगा, मतलब तीनों पॉइंट आ जा रहा है, जीरो कॉमा जीरो, माइनस वन कमा वन एंड वन कमा माइनस वन, इन तीनों को मुझे बैठाना पड़ेगा। नहीं बैठे? हाँ बेटा, ओरिजिन को टच कर रही है। हाँ ये ओरिजिन को टच है, मतलब इसको मैं जीरो जीरो से बना नहीं सकता हूँ, तो कैसे बनाएंगे हम देखेंगे। तो ये वाला आपका जीरो जीरो है, अच्छा इसको बाद में ड्रॉ करते हैं। ये वन है, ये आपका टू, ये वाला थ्री, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये वन है, ये टू है। पहला वाला पॉइंट तो जीरो जीरो होगा जो कि मुझे मालूम है, ओरिजिन रहेगा। इसके बाद माइनस वन कमा वन, तो ये वाला माइनस वन और प्लस वन, मतलब ये वाला हो जा रहा है। फिर वन कमा माइनस वन, तो ये आपका वन और ये वाला आपका माइनस वन, मतलब ये वाला। हाँ मतलब इन तीनों को ज्वाइन करने से मेरा क्या बन जाएगा, मुझे मेरा लाइन बन जाएगा, तो मैं इसका ज्वाइन कर देता हूँ।
अब आप लोग ही बोलो, इसका दो डिजियन कौन कौन सा है? एक इसका राइट साइड वाला जो कि वन वाला पोर्शन, इसका लेफ्ट साइड वाला वन टू वाला पोर्शन, हाँ या ना बोलो। यस सर, यस अब आप इसको सर, जीरो जीरो लेके बना ही नहीं सकते क्योंकि ये लाइन खुद ही जीरो जीरो से जा रहा है, तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर आप क्या करूंगा, आप वन या दो में से, दो रीजियन में से किसी भी एक रीजियन से कोई भी एक पॉइंट ले लो, आपके मन से कोई भी एक पॉइंट ले लो कोई भी एक रीजियन से। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक रीजियन से आप बोलो कौन सा रीजियन से लेना है मुझे पॉइंट। एफ टू और वाई वन, हाँ बोलो, X2 और Y1, आप बोलो एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू वन, मतलब ये सर आपका रीजियन वन में आ जा रहा है, ठीक। आप इसको पॉइंट को लिख दो, एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू वन। अब इसको ना जाके इसमें बैठाओ, आप एक्स का वैल्यू, आप कौन सा पॉइंट ले रहे हो, टू कॉमा वन ले रहे हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वाला रीजियन से ले रहे हो। आप इसको गलत मतलब आप ले रहे हो वन रीजियन से बट लिख रहे हो टू रीजियन, तो आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने वन रीजियन से लिया तो मैंने पॉइंट को बैठा दिया, फिर क्या करना है, एक्स का वैल्यू टू बैठाना है और वाई का वैल्यू वन बैठाना है, कहाँ, इस इन इक्वेशन में। तो अगर देखो एक्स का वैल्यू टू है तो लेस देन वाई का वैल्यू माइनस वन है, तो आप बोलो ये सही है या गलत है? गलत 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 है। गलत इसका मतलब ये वाला लाइन का जिस साइड पे टू कॉमा वन है उस साइड पे जाएगा नहीं, कौन सा साइड पे जाएगा, इसके ऑपोजिट में जाएगा, मतलब ये वाला बेसिकली इस साइड पे आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? यस और अगर सेटिस्फाई कर सर जाता तो ये वाला इस साइड में हो जाता, बट इस साइड में नहीं होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और आप अगर इसका एक्चुअल डायग्राम देखोगे तो देखो ये भी नीचे के लेफ्ट हैंड इस साइड में आ गया, जिस साइड में मेरा एक्चुअल आंसर आया, देखो इस साइड पे आ गया है। ऐसे करना होता है सॉल्व, और यही दो टाइप का होता है इक्वेशन, एक जीरो जीरो से जा सकता है, दूसरा का जीरो जीरो से नहीं जा सकता है, तो कैसे हो सकता है, बाकी आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली आपका इन इक्वेशन ड्रॉ करने का या इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। सर, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट से सेकंड पोर्शन से लेते तो भी ये सेकंड की तरफ ही आता। हाँ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से अगर लेंगे तो मैं दिखाता हूँ, तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। आप देखो मैं दिखाता हूँ, एक पॉइंट आप कोई भी एक पॉइंट लो सेकंड रीजन से, सर -3 और -2, -3 और -2, हाँ जो कि लगभग इस साइड पे आएगा, ये -3 और -2 लगभग इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ले लो एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हो, -3, और वाई का वैल्यू क्या ले रहे हो, -2। आप बैठाओ इसमें, एक्स का वैल्यू -3 है, सर और देखो ये माइनस ऑफ वाई था ना, मतलब -2 मतलब -3 लेस देन टू, जो कि सही है, -3 का वैल्यू 2 से छोटा है, तो ये इस साइड ही आना चाहिए था। देखो ये राइट आ जा रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो आप किसी भी रीजन में लो, अगर आपका पॉइंट सही से बैठाओगे तो आपका वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं सेटिस्फाई करेगा, उसके ऊपर आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। आप किसी भी रीजन से ले सकते हो, ये रीजन टू वाला है, बट आपको दो रीजन से नहीं लेना है, किसी भी एक रीजन से आप ले लो, और ये रीजन वन से है तो आपका बन जाएगा, ठीक। यस सर सर, और किसी का कोई डाउट? नो ठीक, चलो अब इसका क्या है, अभी हमने सिंगल इक्वेशन का देखा था, अब हो सकता है कि आपको दो इक्वेशन का बोल रहा है, दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ में बोल रहा है, तो इन दैट केस हम कैसे करेंगे? पहले आपको दो इक्वेशन ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मली, जैसे ड्रॉ करते हैं अभी तक दो, जैसे एक कर रहे थे, अभी आपको एक ही में दो करना है, तो आप पहले ड्रॉ करो इसको, इक्वल्स टू लेके ड्रॉ करो, अगर लाइन ड्रॉ करो फिर जाके बाकी काम, अगर लाइन ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो आपका इन इक्वेशन बनने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो एक्स प्लस 3y = 3 वाला लेंगे हम, और एक्स का वैल्यू ले लेंगे हम 3y - 3y। तो पहला वाला कितना आएगा, अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ एक्स वाई से, तो y का वैल्यू मैं 0 लूंगा तो x का वैल्यू आपका 3, और y का वैल्यू मैं 1 लूंगा तो x का वैल्यू 0, ठीक। यस सर, ठीक है। और दूसरा वाला क्या दिया है, 3x
प्लस वाई लेस इक्वल टू थ्री, तो इसमें इक्वल टू बैठाना है, तो वाई का वैल्यू आपका आएगा थ्री माइनस थ्री एक्स, तो ये एक्स और ये वाला वाई, तो मैं एक्स का वैल्यू जीरो ले लूंगा तो वाई का वैल्यू थ्री आ रहा है, और एक्स का वैल्यू अगर वन लूंगा तो वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें बैठाना पड़ेगा। अब इसमें पॉइंट्स लिख दे रहा हूं मैं, इस इक्वेशन के लिए थ्री कमा जीरो जीरो कमा वन, इस इक्वेशन के लिए जीरो कमा थ्री वन कमा जीरो, चलो तो बैठाएंगे इसमें। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश। अब इसमें आपको वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री माइनस का वन टू थ्री। अब एक देखो इसमें चीज क्या है, सर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगा ही बेटा, वो तो करना ही है, ठीक है, बट उसके उस पे हम अभी नहीं जाएंगे। पहले आप ड्रॉ करो, थ्री कमा जीरो जीरो कमा वन, थ्री कमा जीरो कहाँ आएगा, थ्री कमा जीरो ये वाला पॉइंट, जीरो कमा वन कौन सा वाला होएगा, जीरो कमा वन मतलब ये वाला लाइन, मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर कर देंगे तो मेरा एक लाइन तो पक्का है, तो इसको कर देते हैं ज्वाइन। ठीक, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब ये जीरो जीरो से नहीं जा रहा है, मतलब इसको ड्रॉ करने के लिए मैं जीरो जीरो वाला पॉइंट ले सकता हूँ, तो एक्स को आप जीरो ले लो, वाई को भी जीरो ले लो, और इनइक्वालिटी जो था इसमें बैठा दो, एक्स प्लस थ्री वाई ग्रेटर इक्वल टू थ्री, क्या था ये एक्स प्लस थ्री वाई ग्रेटर इक्वल टू थ्री, तो एक्स की जगह पड़ेगा जीरो बैठाएंगे, तो ये जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो तो मेरा जीरो ही होता है, तो जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है या नहीं? यस सर, हाँ है, क्योंकि ग्रेटर इक्वल्स टू मतलब, ग्रेटर इक्वल्स टू मतलब या तो इक्वल्स टू हो जाए या तो ग्रेटर हो जाए, दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, मतलब इक्वल्स टू तो हो ही रहा है। सॉरी ये जीरो नहीं था, ये थ्री था ना, ये थ्री था, ये थ्री था, सॉरी सॉरी ये थ्री था, जीरो क्यों लिख दिया मैंने, ये थ्री था, तो ये गलत हो जा रहा है फिर। इसका मतलब क्या है, जिस साइड में आपका जीरो जीरो है उसके अपोजिट साइड में जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो जीरो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये गलत है, जीरो थ्री से बड़ा भी नहीं है, इक्वल्स टू तो नहीं है, मतलब ये वाला कौन से साइड पे जाएगा, ये वाला रीजियन इस साइड पे जा रहा है। बात समझ आया मेरा? यस यस सर। फिर दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं, दूसरे वाला क्या है जीरो कॉमा थ्री, दूसरा वाला क्या है जीरो कॉमा थ्री, कहाँ है जीरो कॉमा थ्री, जीरो और वाई का वैल्यू थ्री मतलब ये वाला पॉइंट, फिर वन कॉमा जीरो, एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू जीरो मतलब यही वाला पॉइंट, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। आया बात समझ में? करेगा सेटिस्फाई जीरो जीरो को, तो ये करके देखते हैं, क्योंकि ये भी जीरो जीरो से नहीं गया है, तो मैं एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू जीरो ले सकता हूँ, और इन इक्वेशन क्या था थ्री एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू थ्री था, क्या था थ्री एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू जीरो, तो अगर जीरो जीरो बैठाऊंगा तो जीरो प्लस जीरो मेरा क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो लेस इक्वल टू जीरो मतलब जीरो लेस इक्वल टू जीरो, जो कि सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, और सॉरी अब फिर से जीरो लिख दिया, ये थ्री था सॉरी, तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है फिर, मतलब इसका मतलब क्या है, जिस साइड में जीरो है उसी साइड में जाएगा ना, मतलब ये इस साइड में है ये इस साइड में जाएगा। अब देखो दो इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ना वो वाला आएगा। आप कोई बोल सकता है कि ऐसा कौन सा रीजियन है जो कि दोनों का मतलब कौन सा पोर्शन है जहां की दोनों दोनों रीजियन ही है, सेकेंड फर्स्ट का बात नहीं है, ये अच्छे से देखो आप, ये कुछ और कलर लेते हैं, ये बीज वाला पोर्शन आएगा, अच्छे से देखो ये बीज वाला पोर्शन, क्योंकि देखो इसके राइट में जो है आप देखो अच्छे से, इसके जो राइट में है इस साइड में कोई है, इस साइड में तो ये वाला रीजियन मतलब ये पिंक जो ये वाला लाइन है इसका तो रीजियन है, बट इस साइड में ये येलो लाइन का कोई रीजियन नहीं है, और अगर मैं बोलू ये जो लाइन है ये वाला जो वायलेट कलर का लाइन आप देख पा रहे हो, इसको कोई और कलर से कहते हैं, क्या कलर दे बोलने में सुविधा होगा, नहीं तो दो अलग अलग कलर हो जाएगा, इसको मैं और लाइन कोई और कलर से कर रहा हूँ,
ये ऑरेंज कलर का जो लाइन है, इसके लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें कौन है? इसमें आपका जो येलो वाला लाइन देख पा रहे हो ना, ये वाला डिजीएन का है, मतलब ये कंटिन्यू जा रहा है ना, ऐसे लाइन ऐसा इतना तक ये तो कंटिन्यू जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाते ही रहा है, जाता ही रहा है। बट इस साइड में कौन है? येलो लाइन का रीजियन है, बट ये ऑरेंज लाइन का रीजियन है ही नहीं, क्योंकि ऑरेंज लाइन का रीजियन उसका राइट में है। तो मतलब सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन आ जा रहा है? सिर्फ यही वाला, ये बीच का पोर्शन आ रहा है, जो कि आपका क्या है, कमन वाला पोर्शन है। तो आपको दिखाना भी ऐसा ही है, ये ऐसे ही आपको लाइन खींच के, बीच का लाइन खींच के आपको दिखाना पड़ेगा। और इस चीज को अगर मैं अलग से देखूंगा ना, तो आप देखो ये वाला कौन सा है, देखो ये वाला कौन सा है, ये वाला आपका इस वाला लाइन का है, देखो इस वाला लाइन के राइट में, ये वाला लाइन का देखो राइट में है, देखो ये वाला लाइन के राइट में आया है, देख पा रहे हो? अच्छे से समझो, क्योंकि ये दो इक्वेशन है इसमें, देखो इसका राइट में है, और ये वाला लाइन, ये वाला कौन सा है, देखो ये वाला, ये वाला येलो लाइन जो है, येलो लाइन का देखो इसका लेफ्ट में आया था। और इन दिनों, और आप इस ये इमेज को अच्छे से देखो, ये वाला इमेज को अच्छे से देखो, देखो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, सर पर्पल, देख पा रहे हो? जो जिस जिसमें आपका येलो भी है, सॉरी आपका ब्लू भी है और ये पिंक भी है, ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज देखो, दोनों दोनों का कंबाइन इमेज है ये। तो पता चल रहा है कि कौन सा वाला पोर्शन आएगा? यस सर, यस सर। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा एक्चुअल आंसर इसका। क्योंकि इस साइड में क्या है, इस साइड में आपका ब्लू है, पिंक नहीं है, इस साइड में आपका रेड वाला पोर्शन है, बट ब्लू वाला पोर्शन नहीं है। बट यही एकमात्र रीजन है जिसमें दो ही पोर्शन है, दैट इज द आंसर। और इसको आपको एक्चुअल एग्जाम में ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे कि मैंने दिखाया। आई होप आपको समझ आया होगा, ये थोड़ा जटिल लग रहा होगा, बट ये आपके एग्जाम में भी आता है एथर से क्वेश्चन, इन इक्वेशन में आता है ये। हाँ बेटा, बट आपके एग्जाम में आएगा या नहीं दो इक्वेशन सर मुझे मालूम नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट इन इक्वेशन तो है ये मुझे मालूम है। आप लोगों ने किया नहीं अभी सर? कौन सी चैप्टर में? लिनियर इक्वेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाम का कोई चैप्टर हो सकता है, उसके अंदर आता है। लिनियर इक्वेशन में नहीं था, लिनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स रहता है आपका, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर इक्वेशन जो रहता है। अच्छा, तो मे भी हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो ये चीज, बट ये इन इक्वेशन तो डेफिनेटली है, मुझे मालूम है। अभी आप लोग किए हो या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट इन इक्वेशन का जो ग्राफिकल सोल्यूशन, मतलब जो पहला वाला, हो सकता है दो इक्वेशन से ना रहे, दो इक्वेशन का फंडा ये है कि दोनों का कॉमन वाला पोर्शन लेना, जहाँ की दोनों दो ही है, दो इक्वेशन का ही पोर्शन है, तो आपका वो होता है दोनों इक्वेशन का रीजन। और अगर एक को दिया जाएगा तो इजिली ड्रॉ कर दोगे। आया समझ में? ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं दिखाऊ देखूंगा, मतलब मैं बनाऊंगा, क्योंकि बनाना तो होगा ही मुझे, ठीक है, या मैं ही दिखा दूं, क्या बोलोगे आप? सर हम ट्राई करते हैं। चलो बहुत अच्छा बात है, ट्राई करो फिर आप।
सर हो गया। सर हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, सर आंसर कुछ ऐसा है, आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए आपका। देखो ये यस वाला सर, सर सिंगल यहाँ सिंगल पर। इमेज है। यस सर, यस सर। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत कुछ जिसने बनाया है, तो 2x + y = 2 वाला, तो y = आएगा 2 - 2x, तो x एंड y, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 तो जीरो। y का वैल्यू 0 आ जाएगा। दूसरा वाला क्या है, x - 3y = 3। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बना चुके हो, तो x का वैल्यू 3 + 3y आ जाएगा। तो मतलब x एंड y का वैल्यू ले रहे हैं, और अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, अगर y का वैल्यू -1 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो लाइन ड्रॉ हो गया, दिस इज y, दिस इज x। अब इसमें देखो पहला वाला 0,2 1,0, तो अगर देखेंगे कि 0,2 तो मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 2, मतलब ये वाला लगभग इसी के आसपास आ जा रहा है पहला वाला पॉइंट। 1,0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, मतलब ये दो लाइन को ज्वाइन करने से मेरा पहला वाला बन जाएगा इक्वेशन। अब ये कौन सा साइड में आएगा वो भी देखना पड़ेगा, 0,0 से नहीं जा रहा है, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 बैठा के मैं चेक कर सकता हूँ। तो पहला वाला क्या था, 2x + y = 2, तो 0 = 2, जो कि राइट है, मतलब ये वही राइट वाला है साइड सर। में आ जा रहा है। ठीक, दूसरा वाला सर बनाते हैं। सेकंड भी 0,0 साइड में जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं फिर 3,0 0, -1 3,0 कहाँ आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब ये 3,0, और ये 0,-1 कहाँ आएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, मतलब लगभग इस पॉइंट में आ जा रहा है ये 0,-1, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने से मेरा ये आ जाएगा। सही किया या गलत? सर सही सर किया। ठीक है, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 लेते हैं, y का वैल्यू 0 लेते हैं, और इक्वेशन क्या था, इन इक्वेशन था x - 3y = 3, तो 0 = 3 जो कि सही है, मतलब ये वाला आपका इस रीजन में चला जाएगा। कौन सा रीजन, जो 0,0 के सर, साइड जीरो में जा जीरो रहा है। साइड वाला। सर तो मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला पोर्शन सेकंड आ और रहा थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। है। हाँ, ये वाला पोर्शन, जो कि हम ये वाला का मार्ज करके ये वाला एक्चुअल में आपका आंसर आएगा जो कि हम देख पा रहे हैं, ये वाला। तो आई होप आपको समझ आया होगा चीज, तो ये अगर अच्छे यस से सर, करोगे ना, और ये यस वाला सर। ग्राफ देखने का एक पर्टिकुलर एक आपका ऑनलाइन में रहता है, ये कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसको आप वो आप इस ये ऐप के थ्रू आपको दिखा देगा कि ऐसा होता है। इसका नाम है डेस्मोस नाम का एक ऐप है, DESMOS। इसमें ये एंड्रॉयड में भी आता है, और अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। तो इसमें आप जाके ये वाला जो आप ये सब इमेज देख रहे हो, यहीं से बनाया हुआ इमेज है, कोई भी ग्राफ दे दोगे ये लोग आपको ग्राफ दिखा देगा। तो ऐसे आप ग्राफ का प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लोग साइंस का सोच रहे हो, मैं आपका पहले से ही बोल देता हूँ, ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बाद में आपको बहुत काम आएगा। तो आपका ग्राफिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो अभी से, जितना आपका सिलेबस में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लो, बट जितना आपके सिलेबस में है। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट? यस सर, यस सर। सर है ये ऐप, हाँ बेटा, क्या बोला बेटा, कहाँ है ये ऐप? है अवेलेबल। हाँ, ये प्ले स्टोर में तो मिल ही जाएगा अगर एंड्रॉइड का है तो, और या तो आप अगर किसी का लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो इसका, कि डेस्मोस नाम से सर्च करो गूगल में, तो भी आपको एक वेबसाइट आ जाएगा उनका, उधर से भी कर सकते हो। और एंड्रॉइड में इसका ऐप आता है डेस्मोस नाम का, ठीक है, DESMOS, डेस्मोस। ठीक है, फिर अभी फिर आपका क्विज कर है तो स्टार्ट करो फिर, पहला वाला करना, क्वेश्चन नंबर 1 बना के बोलो कितना आ रहा है।
सेकंड ऑप्शन में नेगेटिव मिले सकते हैं। समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो। सर सेकंड ऑप्शन में जो है नेगेटिव में भी हो सकती है टर्म। सेकंड ऑप्शन मतलब यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया है बेटा। सर इसमें है नहीं एक रीजन दैट डज नॉट कंटेन्स 0,0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कि द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ ax + by + c लेस देन 0 एंड इफ c लेस देन 0, मतलब आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मान लो आपका कि 2x + 3y, तो नेगेटिव में नहीं होगा। c अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव में होगा। तो c अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू है, मतलब आप मान लो 2x + 3y - 3 ऐसा कुछ वैल्यू, तो ये ग्रेटर लेस देन 0 दिया है, आप मान सकते हो ऐसे, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, इज द डैश रीजियन दैट कंटेन 0,0 रीजियन दैट डज नॉट कंटेन 0,0। अब इसका एक शॉर्ट, एकदम शॉर्ट ट्रिक पहले दिया है, बट ये क्यों हो रहा है ये भी आपको समझना है, ठीक है। बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं पहले दे के रखा हूँ, अगर आप ये पढ़ोगे जो कि ये वाला है कि द सॉल्यूशन सेट फॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इज द रीजियन दैट कंटेन्स 0,0 व्हेन सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये 0,0 का कंटेन कर लेगा। दूसरा वाला क्या, द सॉल्यूशन दिस लेस देन 0 जो कि इस क्वेश्चन के लिए चाहिए आपको, रीजियन दैट कंटेन्स 0,0 व्हेन सी लेस देन 0, मतलब सी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा और ये टोटल वैल्यू भी अगर लेस देन 0 होगा तो ये 0,0 का कंटेन कर लेगा, एंड रीजियन दैट डज नॉट कंटेन 0,0 तो ये सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस केस में मेरा क्या है, आप देखोगे तो कहाँ गया, हाँ ये वाला भी लेस देन 0 है और ये वाला भी लेस देन 0 है, तो कंटेन कर लेगा 0,0 के। अगर आप एग्जांपल चाह रहे हो तो मैं इस प्रॉब्लम को दिखाता हूँ करके आपको कि ये क्यों होगा, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूँ, बट इसको लिए बनाना जरूरी नहीं है, आपको ये रिजल्ट मालूम होगा तो आप कर लोगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाँ सॉल्व करके बता दो, बट आंसर ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या दिया है, 2x + 3y अगर मैं ले रहा हूँ माइनस 3, ये क्या हो जा रहा है आपका लेस देन जीरो वाला, तो मैं पहले तो इक्वल्स टू लूंगा क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, तो आपका कितना आ जा रहा है इधर से, अच्छा 2 छोड़ो मैं सिर्फ x ले लेता हूँ, चलो तो ज्यादा इजी हो जाएगा चीज को। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3y हो रहा है, आप x और y का वैल्यू ले लो, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 लेगा तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, तो दिस इज 0, मतलब 3,0 और 0,1। तो ये आपका लाइन बनेगा, दिस इज y, दिस इज x, एंड आपका कहाँ बन जाएगा 3,0 a 1 2 3, तो दिस इज 3,0 और 0,1 लगभग इस पॉइंट पे बनेगा, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। अब जिस इसके ये 0,0 से नहीं जा रहा है तो आप 0,0 पॉइंट से सेटिस्फाई करा सकते हो। तो ये क्या था, x प्लस 3y माइनस 3 लेस देन 0 लिया था हमने, तो अगर 0 बैठाएंगे तो देखो माइनस 3 लेस देन 0 आ जा रहा है ना, यस सर, जो कि सही है, हाँ 0 का 0 से माइनस 3 छोटा, मतलब ये जिस साइड में 0 है उस साइड में आएगा, तो अगर ये इस साइड में ही आ जा रहा है तो ये 0,0 पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है क्या, हाँ क्योंकि इसी रीजन में 0,0 पॉइंट भी आ जा रहा है, तो ये 0,0 पॉइंट को कंटेन करेगा, तो रीजन दैट कंटेन 0,0 दिस इज द राइट आंसर, यही वाला आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। बट इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम बनाना जरूरी नहीं है, ये वाला दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है, ये वाला दो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ आएगा जो कि इधर लिखा है, और रीजन जो है मैंने दिखा दिया आपको, इसीलिए ये हो रहा है, ये एक रिजल्ट है, आप बोल सकते हो ये एक रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने के टाइम आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक। यस सर। चलो दूसरा वाला क्या है देखते हैं, हाँ ये वाला देखो ट्राई करो, ट्रू आप बोल रहे हो, ट्रू, और कोई सर, ट्रू बोला क्या गया है, एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स टू 5, देन इधर एक्स लेस इक्वल्स टू 5 और वाई लेस इक्वल्स टू 5 और बोथ। अब देखो इसमें x प्लस वाई लेस इक्वल्स टू 5 दिया है ना,
मतलब बोल क्या रहा है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों ही, दोनों का एडिशन क्या होगा, 5 से छोटा होगा या इक्वल होगा, सर हाँ या ना। फॉल्स सर, अब इसमें देखो, आपको बोल रहा है अगर ये सही होगा तो बोल रहा है कि एक्स लेस इक्वल्स टू 5, वाई लेस इक्वल्स टू 5। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आप अगर मान लो 6 ले रहे हो आप, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं वाई का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, वाई का वैल्यू मैं नेगेटिव में लूंगा तो भी चलेगा, मतलब मान लेते हैं -3। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 3 3 मतलब मैं बोलने का कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, कि दोनों का वैल्यू अगर 5 से छोटा या बड़ा होगा, मतलब आपने ये एक्स वाला क्या सिक्स बोल ली रहा है है। सर, हाँ बेटा आपने एक्स की वैल्यू 6 ली है हाँ तो सर वो तो 5 से छोटी नहीं है, बड़ी है वो तो। हाँ अच्छा हाँ, ये 5 से छोटा, अच्छा 5 से अगर छोटा भी होगा, हाँ ये एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि ये 5 है। अगर मान लो आप 5 ही ले रहा हूँ मैं, और वाई का वैल्यू भी मैं 5 ही ले रहा हूँ, दोनों का वैल्यू 5 ले रहा हूँ, तो इन दैट केस क्या बन जाएगा इसका टेन वैल्यू, टेन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस चीज को। हाँ सर फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि इधर दिया गया है अगर दोनों ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस इक्वल्स टू देता, लेस दे देता तो हम सोच सकते, बट इक्वल्स टू दे दिया मतलब मैं इक्वल्स टू वाला केस भी अगर कंसिडर कर लू तो ये क्या दिखा रहा है, तो ये फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि इस केस में 10 हो जा रहा है जो कि 5 से बहुत बड़ा है। और एक केस के लिए अगर ये फॉल्स हो जा रहा है मतलब मैं इसको ट्रू नहीं मान सकता हूं, अगर 3 और 4 भी लेंगे तो भी ये फॉल्स ही होगा। तो भी फॉल्स ही होगा। बात समझ आया है, यस सर, तो ये बोलना पॉसिबल, मतलब एक पर्टिकुलर केस के लिए फॉल्स हो जा रहा है मतलब ये फॉल्स है, ट्रू होगा तो हर सर एक ये के लिए दो हो सकता है कंडीशन पर्टिकुलर सेटिस्फाई एक। करता है पर सर हाँ वन और बेटा टू हाँ, बट सर अगर आप वन और टू पर्टिकुलर भी एक तो कंडीशन, आप पर्टिकुलर एक कंडीशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लेस इक्वल्स टू दिया है, तो अगर आप 5 लोगे जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को कि हाँ एक्स 5 ले सकते हैं और वाई का वैल्यू भी मैं 5 ले सकता हूँ क्योंकि ये दिया है एज पर द कंडीशन, तो इन दोनों का अगर ऐड करूंगा तो मेरा ये नहीं आ रहा है मतलब दिस इज फॉल्स। आया समझ में। यस सर यस सर ये वाला ट्राई करो, इसका ऑप्शन नहीं दिया है ठीक है, आप ही बोलो इसका क्या हो जाएगा। इन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ, सर इसमें बताना क्या है। मतलब इन इक्वेशन, इन इक्वेशन जो है आपका वो क्या आएगा, मतलब हम लोग के पास अभी तक क्या था कि आपको इन इक्वेशन दिया जा रहा था और आप लोग उसको क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, हाँ या ना। यस सर यस बट इस केस में क्या है, इस केस में आपको इन इक्वेशन का ड्राइंग दिया गया है, आपको बोला जा रहा है कि आपका इन इक्वेशन क्या आएगा, तो इसको करने का मैं तरीका बोलता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो ये वाला आप देख पा रहे हो, ये 3 पॉइंट से जा रहा है और ये 4 पॉइंट से जा रहा है, यस सर और सर ये दोनों कौन थ्री सा से जा साइड, रहे हैं। अच्छा हाँ सॉरी ये 3 पॉइंट ही है, हाँ मैंने देखा नहीं, तो ये वाला आपका 3 पॉइंट है, इसको सर्कल कर देते हैं, ये 3 पॉइंट है, ये वाला भी 3 पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये ये जीरो और आपका जीरो थ्री थ्री है और ये आपका 3,0 है ना। यस सर यस सर यस सर और आप एक यस चीज सर देखो, अगर ये इक्वेशन तो इसी फॉर्म में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म में तो होगा, यस सर हाँ या ना बोलो। तो आप क्या कर यस सकते हो, इसमें एक्स एंड सर वाई का ये वैल्यू बैठा सकते हो, एक्स का वैल्यू ये और वाई का वैल्यू ये, और एक्स का वैल्यू ये और वाई का वैल्यू ये सॉल्व करके देख सकते हो और इसमें से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, और अगर इक्वेशन मिल जाएगा तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, अगर ये वाला, बात समझ रहे हो कि ये वाला पॉइंट अगर इसमें क्या होगा, इसमें अगर सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं एक्स का जगह पर 0 वाई का जगह पर 3 एंड वाई का जगह पर 3 एक्स की जगह पर 0 बैठाऊंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, इधर से
ए और बी का वैल्यू मुझे मिल सकता है, ए बी सी का वैल्यू मिल सकता है, जो कि ये टोटल इक्वेशन का फॉर्म मतलब इक्वेशन क्या बनेगा वो मैं निकाल सकता हूँ। फिर जाके आप देख पा रहे हो कि ये वाला जीरो जीरो जिस साइड पे है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस मतलब इस इक्वेशन में जीरो जीरो बैठाओगे फिर कुछ भी जो टर्म आएगा वो क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपको इन इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, कैसे कि सर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी करते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि 0,3 से जा रहा है, मतलब अगर मैं जीरो एक्स की जगह पर जीरो बैठाऊंगा वाई की जगह पर थ्री बैठाऊंगा तो क्या आ जा रहा है मेरा, इस केस में आपका क्या आ जा रहा है, जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, तो बी इंटू वाई मतलब बी थ्री मतलब थ्री बी बोल सकते हैं आप, थ्री बी इक्वल्स टू माइनस सी का। और इधर से क्या आ जा रहा है, फिर से अगर करोगे तो आप कि 3,0 है तो एक्स की जगह पर आप थ्री बैठा हो, वाई की जगह पर आप जीरो बैठा हो, तो आपका ये क्या आ जाएगा, थ्री ए इक्वल्स टू माइनस सी, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। और ये दोनों ही माइनस सी है, मतलब मैं अगर बोलू इस केस में आपका क्या हो जाएगा, थ्री बी इक्वल्स टू थ्री ए हो जा रहा है, मतलब ए इक्वल्स टू बी हो जा रहा है, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलू ये ए और बी का वैल्यू सेम है भाई, और वही वाला आपका क्या है ए वाला वैल्यू है, तो ये वाला जो इक्वेशन है आपका क्या वाला इक्वेशन है, ये वाला भी थ्री है ये वाला भी थ्री है, देख पा रहे हो आप। है ना, ये वाला भी तो थ्री है ना, ये वाला जीरो वन टू थ्री, और ये वाला भी तो थ्री है, ये वाला भी थ्री है, और ये वाला भी आपका थ्री ही है, तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री इक्वल्स टू वन बना बनेगा ये वाला इक्वेशन। और इधर से आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, जो कि इस लाइन का इक्वेशन है, बट मुझे इक्वेशन से तो मतलब ही नहीं है ना सर, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे तो इन इक्वेशन चाहिए, क्वेश्चन में मुझे बोला है इन इक्वेशन चाहिए ना मुझे, तो ये तो इक्वेशन मिल गया, बट इसका इन इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप क्या करोगे, आप x प्लस वाई ग्रेटर देन थ्री लोगे या x प्लस वाई लेस देन थ्री लोगे, इन दोनों में से किसी एक में होगा ही होगा। आप देखो जीरो जीरो बैठा हो दोनों में, सेटिस्फाई कराओ कौन सा पे सेटिस्फाई कर रहा है, वो वाला नहीं होगा। तो देखो अगर जीरो जीरो बैठा होगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस जीरो करोगे तो जीरो लेस देन थ्री, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि जीरो के ऑपोजिट में जा रहा है, मतलब आपका ये इक्वेशन ये है, दिस इज द राइट आंसर। ये थोड़ा आपका था, मतलब ये एक्चुअल में बैक पर प्रोसेस वाला था ना, कि आपको ग्राफ दे दिया है, आपको इन इक्वेशन पूछ रहा है, तो थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। थोड़ा सोचना इस चीज को, हो जाएगा। और ये वाला आप ड्रॉ कर सकते हो, कॉमन रीजन तो एक्स लेस इक्वल्स टू वाई ड्रॉ कर लो, जो कि दिखाया था मैंने। अच्छा एक और दूसरा वाला वाई लेस इक्वल्स टू एक्स है, ये एक्स इधर आ गया है, इधर एक्स आएगा, इन दोनों को ड्रॉ कर लो, आप देख लो फिर क्या आ जाएगा, इसको तो कर ही सकते हो जो दिखाया मैंने उसी के करो, कॉमन रीजन वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन बनाना, आज का सेशन थोड़ा ये एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हर एक चैप्टर में लास्ट वाला जो सेशन रहता है आपका एडवांस लेवल वाला रहता है, क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखाना चाह रहा है जो कि आपको सीखना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पर सॉल्व करना है आपको, दो ही है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। फिर कंक्लूड कर देते हैं, तो कंक्लूशन में क्या है, आप देख पा रहे हो कि बेसिकली आज क्या देखे हमने, जो इक्वेशंस थे वो तो पहले ही सॉल्व करना सीख गए थे, बट बेसिकली टू वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व करना सीखा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक। यस यस सर। यस सर। ओके सो आई होप आपको समझ आया होगा।